पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलित हुआ पत्रकार समाज। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पत्रकारों ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। अपर जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। भारत समाचार न्यूज चैनल के ऑफिस पर आईटी व ईडी द्वारा छापेमारी और चैनल के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा व स्टेट हेड बीरेंद्र सिंह के घरों पर आईटी व ईडी की टीमों द्वारा उत्पीड़न व दबाव के उद्देश्य से की गई। लगभग 40 घंटे की छापेमारी से जिला बाराबंकी के पत्रकार हुए आक्रोशित। बाराबंकी जनपद के भारी संख्या में आंदोलित पत्रकारों ने हाथों पर काली पट्टी बांध कर जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह के कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठकर इस कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। पत्रकारों के आक्रोश को देखकर खुद पहुंचे अपर जिलाधिकारी संदीप गुप्ता ने पत्रकारों से ज्ञापन लिया और उसे महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। आज ज्ञापन सौंपा गया है आपके द्वारा, क्या मांग है? अभी कुछ दिन पहले जैसे हम लोग जानते हैं कि आईडी और ईटी की टीमों ने जो है भारत समाचार न्यूज़ चैनल के दफ्तर पर भी छापेमारी की और साथ ही जो एडिटर इन चीफ है हमारे परम श्रद्धेय ब्रजेश मिश्रा जी के घर पर और परम आदरणीय वीरेंद्र जी के घर पर भी छापेमारी की गई। साथ ही 40 घंटे की छापेमारी के बाद में कहीं भी कुछ आईडी को और ईटी टीम को नहीं मिला। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारों के घरों पर यह छापेमारी की जाती है, ये किसके आदेश पर छापेमारी की गई है और 40 घंटे के बाद भी अगर कुछ नहीं मिला है तो उन दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही जिसके आदेश पर वो छापेमारी की गई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यही मांग को लेकर हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है।